ख्वाहिशों से ही नहीं गिरते हैं, ख्वाहिशों से ही नहीं गिरते हैं फूल झोली में, इसके लिए कर्म की साख को हिलाना होता है। और अंधेरे को कोसने से कुछ नहीं होता मेरे यार, अपने हिस्से का दिया आपको खुद जलाना होता है। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 32 नंबर आपकी क्लास है, सॉरी 33 है, 32 हो चुकी थी। मैथ्स के दर्द की दवा, क्या आपने देखा परिमेय संख्या? बिल्कुल ये दवा जैसे काम करती है, ऐसे कैंडिडेट जिनको गणित नहीं आती उनके लिए बहुत ही अलग है, स्पेशल है। टॉपिक आपका चल रहा था बच्चों रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। पिछली क्लास में ये सारी चीज़ें आपने देख लिया था और इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। कहाँ तक पहुँच गए थे हम? हम ये पहुँच गए थे बच्चों कि माइनस वाली संख्या जो है, इनको डिस्क्राइब कर रहा था मैं लेकिन थोड़ा सा टाइम ओवर हो गया, कि कोई भी संख्या जो निगेटिव होती है वो भी क्या होती है? रैशनल नंबर होती है, अगर वो ढंग का लिखी गई है। ढंग का मतलब यानी वो एक पूर्ण संख्या के रूप में है, बस इतना जान लो। ठीक है, कोई भी संख्या चाहे माइनस हो या प्लस हो, कैसे भी हो, जैसे मान लो -37/49, ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। बात समझ रहे हो? क्योंकि इसको भी हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कोई भी निगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर सब क्या होता है आपका? रैशनल नंबर होता है। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर, सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी भाज्य संख्याएं, सभी अभाज्य संख्याएं, सभी सहअभाज्य संख्याएं, ये सभी क्या होती है आपकी? परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अगला पॉइंट था इसमें साथियों, वो था दशमलव वाला। तो देखो बच्चा, कोई भी जो संख्या दशमलव में है, कोई भी संख्या, वो सभी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन होती है। दशमलव वाली संख्याओं में कुछ कंडीशन क्या है, जैसा कि मैं इसमें कुछ एक्सप्लेन किया था अभी, कुछ संख्याएं हैं जो परिमेय संख्याएं नहीं होती दशमलव में होने के बाद भी। ठीक है, जैसे अगर हम आपको और ज़्यादा आगे बताएं, जैसे यहाँ पे देखना, ये संख्या है 42.57, तो ये क्या है बच्चा? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि दो अंक पर दशमलव लगा है, तो दो अंक पर दशमलव हटाएंगे तो आपको पता है नीचे दो बार जीरो बढ़ जाएगा। ये क्यों बढ़ता है जानते हो? कैसे होता जानते हो? आओ बता ही देता हूँ। देखो, जैसे अगर हम इसी नंबर की बात करें, दो अंक पर दशमलव है ना, तो दो अंक पर अगर दशमलव है तो बच्चा हमें दो अंक दशमलव दाहिनी तरफ लाना है, जिससे दशमलव यहाँ आ जाए और ये नंबर छूट जाए। इसके लिए हम दो जीरो लगा के गुणा करेंगे, मान पे कोई फर्क ना पड़े, इसलिए क्या करेंगे, दो जीरो लगा के भाग भी करेंगे, यानी 100 से भाग भी करेंगे। ठीक है, अगर हम 100 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो वही आ जाएगा जो पहले था। क्लियर, इनको गुणा कर लेंगे बच्चा, तो नियमानुसार ये जो भी आपका लिखा था इतना आ जाएगा। बोलो आएगा? 100 से गुणा करेंगे, लास्ट में पूरा पूरा दो जीरो लग जाएगा, बाकी वैसे आ जाएगा। और पीछे से देखो, दो अंक पर दशमलव था, यहाँ पे लग गया और ये 100। अब दशमलव के बाद में जितने भी जीरो हैं उनको हटा दो, उनसे कोई मतलब नहीं है, उनका कोई तात्पर्य नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा 4257, नीचे 100। ये आपका क्या हो गया? वही हो गया जो ऊपर मैंने लिखा था। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि दशमलव वाली संख्याएँ भी किस किस दशा में परिमेय संख्याएँ होती हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़े चलो। तो अगला एक और देखो, मान लो कि ऐसे लिखा है, तो इनको हम लिख सकते हैं 3397, नीचे क्या लिखेंगे? 1000। ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। लेकिन परिमेय संख्या कौन नहीं है? जैसे अगर 1.372153 ऐसे डाट डाट है, जिनका कोई लिमिट नहीं है कि वो कहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो ऐसी दशा में ये क्या होगा? ये परिमेय नहीं होगा। ठीक है बच्चा, ये फिर होगा अपरिमेय, यानी इरेशनल नंबर। क्या होगा? ये इरेशनल नंबर होगा, समझ गए ना? तो दशमलव वाली में ये सारी चीज़ें हैं। मोटी मोटी बातें मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, वैसे क्लासें बहुत लंबी हो जाती है अगर बहुत ज़्यादा डीपली इनको बताओ तो। वैसे फ़िलहाल बेसिक में जितना आपको चाहिए उतना बता दे रहा हूँ। चलो आगे, कोई भी नंबर माइनस में है और वो दशमलव में भी है, तब भी वो परिमेय संख्या हो सकती है, उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, कोई भी संख्या माइनस में है और दशमलव में है, तब भी क्या हो सकती है? वो परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे मान लो -0.1, ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको लिख सकते हैं बच्चा हम 1/10,
एक अंक पर दशमलव था ना, माइनस 0.9 ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 9/10। क्लियर। और आगे माइनस 0.65 ये भी क्या है, यहाँ पर आंसर में भी माइनस लगाओगे, यहाँ पे देखो इतना मिस्टेक हो रहा है, ये चीज़ का ख्याल रखना बच्चा, शुरू में माइनस था पहले तो माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस 6/5/100। इन सब को हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, सो सभी क्या है, एक भिन्न के रूप में है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी है, ये सभी क्या है, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएँ हैं। अगर परिमेय संख्या विस्तार से समझना है तो बहुत प्यार से अच्छे से आपको देखना है। ये तो सिर्फ सीधी सीधी संख्याएं हैं, कैलकुलेशन के रूप में भी परिमेय संख्याएं होती हैं जिनमें पहचानना होता है कि वो परिमेय है या नहीं है, ठीक है, उनको भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अगला है बच्चा आपका कि जो नंबर रिपीट करता हो, रिपीट वाला, जैसे शायद मैं आपको शुरू में बताया था, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जैसे जो नंबर रिपीट करता हो उनमें क्या है, जैसे कोई भी नंबर ले लो रिपीट करने वालों में, अरे भैया जैसे देखो इधर, जैसे लिखिए 4.3939 ऐसे बार 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 रिपीट हो रहा है, अनंत तक है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें पता है कि बार बार एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसको हम जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं, ठीक है। ऐसी कंडीशन में ये भी क्या होती है, आपकी परिमेय संख्याएँ होती हैं। इनके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम एक सिंपल सा नंबर ले रहे हैं, जैसे मान लो ये है, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग हो जाता है, लंबा हो जाता है, उसको मैं अभी यहाँ नहीं बताऊँगा। ऐसे इनको लिख सकते हैं बच्चा हम 3 9 बाद में लिखोगे, पहले इनको आप दिखाओ इनको कि 0.39 यानी 9, ये दोनों रिपीट हो रहा बार बार, ठीक है। इनको फाइनल में हम लिख सकते हैं 39/399, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या तो ये भी है, ये भी एक रेशनल नंबर है, एक भिन्न के रूप में आ जाता है, लेकिन अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो हल करना थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाता है, मतलब थोड़ा झंझटी हो जाएगा, टाइम ऊपर मतलब लग जाएगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो कोई भी जिसमें बार बार एक है नंबर, सेम नंबर रिपीट हो रहा है, वो भी क्या होता है, परिमेय संख्याएँ होती हैं। ये ऐसे इसमें देखो जो नंबर रिपीट हो रहा है वो ऐसे है, ये 7 है, पूरा का पूरा रिपीट नहीं हो रहा है, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। कोई भी अगर नंबर सेम ही नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, तो वो सब परिमेय संख्याएं होंगी, उन सब को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ये बार वाला जो कॉन्सेप्ट है इनका मैं अलग से वीडियो बनाया हूँ, पढ़ाया हूँ, आप मुझे कमेंट करके पूछना कि ये बार वाले जो कॉन्सेप्ट है इनको कैसे हल करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर लास्ट वाली नंबर रिपीट थी, ऐसे कंडीशन आई, यहाँ पर देखो कुछ अलग कंडीशन थी, है ना, बार किनारे वाले दो नंबर पे लगा था, कुछ नंबर में अगर आप ऐसे लिख रहे हो, मान लो ऐसे 9 9 9 9 9, अब ऐसे कंडीशन में बन रहा बच्चा आपका 3 7, ये 9 के ऊपर बार लग रहा है, ऐसे हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में इनके जो हल हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, जो बेसिक होता है इनका एक एक पेज में लग जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। चलो आगे आओ, इसमें देखें आगे क्या था, ये दशमलव वाला हो गया, अब आगे बढ़ें अगर, तो ये चीज़ें तो आप देख ही लिए हो, इसमें थोड़ा सा मैं और दिखा देता हूँ। 8 नंबर पेज था ये, तो परिमेय संख्याओं के प्रकार, टाइप ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं कई तरह की होती हैं, जैसे यहाँ पर कुछ दिया गया है, जैसे पूर्णांक संख्याएं जितनी भी हैं, पूर्णांक संख्या मतलब जान रहे हो आप, इंटीजर, जितने भी इंटीजर हैं, जैसे चाहे वो माइनस में है, चाहे वो जीरो है, चाहे वो प्लस में है, सभी आल इंटीजर क्या होते हैं, आपकी रेशनल नंबर होती है, बात समझ रहे हो सभी ना। देखो रिकॉर्डिंग क्लास में यही मजा रहती है, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़ाया जाता, माइंड हल्का रहता है, लाइव में लड़ाई करते हैं, चैटिंग करते हैं, बात करते हैं, फालतू काम करते हैं, इंटरनेट नहीं काम कर रहा है, कुछ भी 3 5 लगा रहता है। चलो दूसरा, वे भिन्न जिनके अंश व हर पूर्णांक हो, वो सभी परिमेय संख्याएं हैं, जिनके अंश व हर, यानी कोई भी मान लो भिन्न रूप में ऐसे लिखा है, इनमें जो ए और बी दोनों हैं क्या हो, एक इंटीजर हो, चाहे वो धन में हो या ऋण में हो, ऐसी सभी संख्याएं क्या होती हैं, आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। अगला, अंश दशमलव जैसे इस तरीके के दिया गया है, तो ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, जैसे अभी मैं आपको बता चुका हूँ डेसिमल में, ठीक है। अगला बच्चा, कुछ दोहराव पैटर्न, ये रिपीटिंग वाला जैसे मैंने अभी बताया था आपको, जिन्हें बोलते हैं हिंदी में कम समझ में आता है, इंग्लिश में
नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला सॉरी, टर्मिनेटिंग डेसिमल लाइक ये, ठीक है, ये दशमलव वाला है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है जिनमें मतलब एक निश्चित स्थान पर जा करके आपका दशमलव ख़त्म हो जाता है। ये ऐसी भाग होती है जिनमें ख़त्म नहीं होता, रिपीट होता है। कह रहा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल विथ सम रिपीटिंग पैटर्न आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ रिपीटिंग पैटर्न बनता है, जैसे ये तीन 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 बन रहा था, है ना, या फिर जीरो पॉइंट इसमें देखो 1414 बन रहा था। इट इफ़ यू आर रेफरल नंबर दीज आर पॉपुलरली नोन एज नॉन रिपीट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, जिन्हें हिंदी में समझोगे तो थोड़ा सा कम मजा आएगा, आपको नहीं समझ पाओगे। बात सभी समझ पा रहे हो मेरी? तो ये सभी क्या हैं? परिमेय संख्याओं के प्रकार हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसमें थोड़ा सा और कि परिमेय संख्याओं को कैसे पहचानें, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इनकी और विस्तृत अध्ययन के लिए आप नेक्स्ट भाग जरूर देखिएगा। मुझे लगता है अभी इसके कम से कम दो वीडियो आएंगे तब जाके क्लियर होगा कुछ, क्योंकि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या एक लंबा टॉपिक है और इसको विस्तार से समझना बहुत अति जरूरी है। तो आज का ये क्लास में यहीं तक, और हाँ, आज का जो यक्ष प्रश्न था उसका जवाब देते जाना, क्योंकि इनाम वाला सवाल है लास्ट में, इसके आपको जो है 5000 इनाम के रूप में मिलेंगे अगर आपने इस सेशन के सारे सीरीज देखे हैं और ईमानदारी के साथ आंसर दिया है, जैसा मैं शुरू में प्रॉमिस किया हूँ, है ना। तो देख लो वो सवाल क्या है और कमेंट करके बता दो कि आप इस क्लास को कहाँ से देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो, आपका जिला और राज्य का नाम क्या है। बहुत बहुत दिल से ढेर सारा थैंक यू। अगली क्लास का इंतज़ार करिएगा, सुबह 5 बजे फ्रीज डेली आ जाती है, ठीक है। थैंक यू, फिर मैं बंद करता हूँ।